वालेकुम स्टूडेंट्स, आपको आवाज आ रही है? वालेकुम सलाम मैम जी। मैम अस्सलाम वालेकुम मैम, यूनिवर्सिटी में क्लास किस क्लास में हो रही है या आप घर से क्लास ले रही हैं? क्या कह रही थी आप? मैम क्लास कहाँ हो रही है? आप यूनिवर्सिटी में हैं या घर से ले रही हैं क्लास? नहीं, आप लोग यूनिवर्सिटी के अंदर आकर लेते हैं। आप लोग की वैक्सीनेशन का क्या हुआ फिर? हुई कुछ उन्होंने बताया? क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स तो आ रहे हैं जो कह रहे हैं कि हम वैक्सीनेट हैं। मैम एक डोज लगी हुई है तो इसलिए हम आ रहे हैं क्लास लेने को। उनसे पूछ ले एडमिनिस्ट्रेशन से, अगर कुछ लोग अलाउ कर रहे हैं एक डोज को भी, तो आप लोग भी आकर फिर फार्मा की क्लास में बैठ नहीं जाओ। मैम, एक पे अलाउ नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं कि दोनों आपकी वैक्सीन कंप्लीट होनी चाहिए डोज, तो फिर आप आए। नहीं मैम मैं लेने जाता हूँ क्लासेस, एक डोज पे भी लेके आए हैं हम। मैम, ये फैकल्टी मेंबर्स पर डिपेंड कर रहा है, कोई टीचर अलाउ कर रहे हैं एक डोज के साथ, कोई टीचर अलाउ नहीं कर रहे, तो ये आपका कंसेंट है कि आप अलाउ करती हैं स्टूडेंट्स को कि नहीं? मैम आप किस क्लास में इस टाइम? 401 क्या आप लोग आए हुए थे? अच्छा, ये स्क्रीन शेयर हो रही है अभी? आप यस जी मैम हो रही है। लोग, ये है कि मैंने ना ई बैच से पूछा था कि वो क्या ऑप्शन, वो लोग क्या सजेस्ट करते हैं, कि अगर मैं चाह रही थी कि लाइव जूम पर प्रेजेंटेशन जो, और फिर क्वेश्चंस पूछे जाएं, मतलब इस तरह क्वेश्चनों की डिस्कशन हो जाए, जो टॉपिक्स आपको नहीं समझ आए और जो आपको समझ आए। लेकिन वो कहते कि हमारे पास, क्योंकि हमारा मीट भी है, उसके बाद टाइम भी नहीं होगा, और इसी वजह से वो कह रहे थे कि आप ना रिकॉर्डिंग्स हम भेजेंगे, तो आप लोग भी रिकॉर्डिंग्स के ऊपर ही हो कि रिकॉर्डिंग्स भेजे जाएं, या आप लोग यस हो मैम, फिर सही टाइम? है, रिकॉर्डिंग्स ही सही है। अच्छा, रिकॉर्डिंग से। फिर उन्होंने कहा कि मैंने उन्हें पूछा कि आप लोगों ने जो है वो टॉपिक्स कौन से लेने, जो आगे पढ़ने हैं वो उनमें से, या जो पढ़ लिए उनमें से? क्योंकि अगर मैं आपको 10 या 15, मिड ऑफ 15 तक कहती हूँ कि जमा करवा दें, मिड ऑफ जुलाई तक अपनी प्रेजेंटेशंस रिकॉर्डिंग्स, तो फिर मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स कवर ही हो जाएंगे। लेकिन फिर भी मैं, आप लोग कुछ जो टॉपिक्स आपको नहीं समझ आए, जो टॉपिक्स आपको लगता है कि इन पर प्रेजेंटेशन होनी चाहिए थी, वो आप लोग मिलके 4 5 या 3 4 6 7 जितने भी हैं, आप लोग खुद सजेस्ट कर दो कि इन पर हम प्रेजेंटेशन होनी चाहिए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि जो समझ आए हुए हो वो भी टॉपिक्स शामिल कर लें, कोई 4 या 5 टॉपिक्स। और दूसरा ये कि आपने जो प्रेजेंटेशन देनी है, रिकॉर्डिंग करनी है, तो वो आप टाइम लिमिट ये है कि आधा घंटे से कम की ही हो। कोशिश करें कि उसमें मटेरियल अच्छा, ज़्यादा मटेरियल हो, अगर कोई वीडियो लगा दें तो ज़्यादा अच्छा है। और दूसरा ये कि उसमें स्लाइड्स ज्यादा जो है वो मैं ज्यादा प्रेफर करूंगी कि ऐसी स्लाइड्स हो जिनमें फोटोज वगैरह हो, थोड़ा इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए, क्योंकि वरना फार्मा के तो बहुत थ्रेटिकल काम ज्यादा होता है। तो 10 मिनट की हो या 20 मिनट की हो, वो इट डिपेंड्स ऑन योर टॉपिक। मैम टॉपिक आप हमें खुद सजेस्ट कर देना, इससे ये भी नहीं होगा कि हम अपनी मर्जी से कह रहे हैं कि आप इनमें से कोई करूंगी देखें। ही करूंगी, लेकिन अगर आपको लगता है कि कोई टॉपिक आप लोगों को दोबारा पढ़ना है, क्योंकि उसमें स्टूडेंट्स कह रहे थे कि हमें आप पिछले टॉपिक्स में से दे दें, अब पिछले टॉपिक्स की तो स्लाइड्स आपके पास ऑलरेडी है, तो फिर मैंने उनको कहा कि अगर तो आपको कोई नहीं समझ आया वो टॉपिक शामिल करते हैं, लेकिन अगर समझ आ रहे हैं तो फिर नेक्स्ट, आगे कमिंग, अब जो मुझे लगता है यही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं,
ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, उनकी प्रेजेंटेशंस कर लें। आप लोग भी देख लें, अगर आपने पीछे से कोई टॉपिक रखना है तो रख लें, एक है दो है जो आपको नहीं समझ आए, बाकी जो है नेक्स्ट फिर मैं जो सजेस्ट करूंगी वो फिर आगे वाले टॉपिक्स ही करूंगी। अच्छा आपके ग्रुप्स कितने बने हुए हैं? मैम आई थिंक 11 है। 11 है, अच्छा आप लोग के वो कैसे हमारे 13 में, मैंने जो ग्रुप देखा था उसके 11 थे। तो ये है कि 3-4 या कितने आप लोग पीछे से अगर कोई चीज रिवाइज करना चाहते हैं वो कर लें, उसका रख लेंगे और बाकी जो आगे मैं सजेस्ट कर दूंगी। तो आप मुझे कल तक अपना डिस्कस करके कि अगर कोई बच्चा कोई स्टूडेंट जिसको पीछे से कोई चीज नहीं समझ आई वो टॉपिक रखवा लें। और ये जो एंटी फंगल एजेंट्स हैं, यहाँ तक आपका जो है मैं मिड टर्म का एग्जाम होगा, ठीक है? उसमें जितने जितने टॉपिक सब तक पढ़ लिए, डायबिटीज है, एंटी फंगल हो गया, उसके अलावा इम्यूनोसप्रेसेंट्स पढ़े थे, और इम्यूनोसप्रेसेंट्स में एंटीबॉडीज, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का थोड़ा सा पता होना चाहिए कि उसका हाइब्रिडोमा टेक्निक मैंने बताई थी, वो थोड़ा सा अभी आखिर में दोबारा बता दूंगी, और उसके अलावा जो शुरू के टॉपिक्स थे वो सारे इंक्लूडेड है अप टिल नाउ, इस यहाँ तक एंटी फंगल तक, ठीक है? आप लोग का कोई पता चला कि फार्मा का पेपर कब होगा या कोई डेट शीट आई है? नो मैम अभी तक कोई ईमेल वगैरह नहीं रिसीव हुई है। हाँ मुझे ये बताएं कि आपके, मैंने सुना था कि शॉर्ट क्वेश्चन आंसर ज्यादा होते हैं, एमसीक्यूज नहीं होते मिड में। नो ऐसा तो नहीं है, अभी तक तो हम एमसीक्यूज ही देते हैं। अच्छा मुझे एक स्टूडेंट ने कहा कि नहीं एमसीक्यूज ही होते थे, दोनों होते हैं जी। मैम मैम फाइनल्स में हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, वैसे हमारे एमसीक्यूज ही आते हैं। वो भी मैम ऑनलाइन इन लोगों ने रखे थे क्योंकि बच्चे चीटिंग वगैरह कर लेते थे ऑन कैंपस, हमने हमेशा मैम फाइनल्स में होता है, ये फॉर्मेट एमसीक्यूज ही होते हैं। अच्छा फाइनल्स अगर ऑन कैंपस होंगे तो अब उसमें सिर्फ एमसीक्यूज होंगे, लेकिन अगर फाइनल्स ऑनलाइन होते हैं तो उसमें शॉर्ट क्वेश्चंस भी होंगे 20% और बाकी जो है वो एमसीक्यूज होंगे। अच्छा अभी जो मैं कहूंगी कि आप लोग के एमसीक्यूज भी होंगे और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी होंगे, एक दफा मैं फिर किसी से सजेस्ट करके पूछ लूंगी दोबारा, क्योंकि एक स्टूडेंट कह रही थी एमसीक्यूज होते हैं और दूसरे बाकी लोग कह रहे थे कि एमसीक्यूज नहीं होते, तो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर तो डेफिनेटली होंगे मैम। लेकिन वो जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं ना वो भी वन वर्ड आंसर होता है। हाँ तो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जैसे आपको मैंने असाइनमेंट दी है, जैसे एक सिनेरियो दे दिया उसका डायग्नोसिस पूछ लिया, लॉन्ग भी वो कह रहे थे जी मैम, जी मैम ऐसे ही, ठीक है? इसी तरह होंगे शॉर्ट क्वेश्चंस भी। अच्छा एंटी फंगल मैंने इसलिए अब जो, क्योंकि अब आपके मिड टर्म एग्जाम होंगे उसके बाद आप लोग प्रेजेंटेशंस बनाना शुरू करेंगे, तो मैं उसमें जो टॉपिक पढ़ाऊंगी जैसे उसके अंदर हम ये एंटीबायोटिक्स पढ़ेंगे, एंटी वायरल थेरेपीज पढ़ेंगे, और एंटी प्रोटोजोआ प्रोटोजोन्स जो आप होते हैं माइक्रोबायोलॉजी में पढ़े, ये सारे उसमें इंक्लूडेड होंगे। एंटी प्रोटोजोअल ड्रग स्ट्रेंथ के अंदर एंटी मलेरियल ड्रग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो मैं थोड़ा सा इसमें डिले कर दिया कि अभी क्योंकि स्टूडेंट्स बिजी होते हैं अपने मिड टर्म के लिए तो वो सुन नहीं रहे होते यार, लेकिन अब आगे जो है मैं सैटरडे को आई थिंक आपको दोबारा लेक्चर है, तो उसमें एंटी वायरल थेरेपी पढ़ाऊंगी, वो इम्पोर्टेंट है, उसमें HIV और इन्फ्लुएंजा का दिया हुआ था। आज जो पढ़ेंगे ये फंगल इन्फेक्शन है और ये ज़्यादा याद करने वाली चीज़ है, इनके अंदर जो आखिर में ड्रग्स दी हुई हैं कि उनका क्या थेरेप्यूटिक यूज है, क्या उनके साइड इफेक्ट्स हैं, क्या उनके यूजेस हैं, वही ड्रग्स आप पूरी क्लासिफिकेशन पूरी याद करने की जरूरत थी, उन ड्रग्स के नाम याद कर लें। तो ऐसे तो आपको कोई आ नहीं सकता इस तरह क्वेश्चन के क्लासीफाई द फॉलोइंग एंटी फंगल या इस तरह करके मैं नहीं दूंगी। अगर होंगे क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन तो सिनेरियो बेस्ड होंगे या सिंपल करके पूछा हुआ होगा कि आपसे डायरेक्ट कुछ चीज़ पूछ ली जाए। इन्फेक्शन फंगस का माइकोलॉजी में किसी ने माइकोलॉजी फंगस की पूरी ब्रांच है उसके अंदर, माइक्रोबायोलॉजी में किसी ने पढ़ी है माइकोलॉजी? अच्छा फंगल इन्फेक्शन फंगस बेसिकली जो होता है इसकी सेल वॉल होती है जिसमें काइटिन होता है और इसकी जो होती है सेल मेम्ब्रेन होती है, इसके अंदर जो होता है वो थोड़ा सा स्ट्रक्चर बैक्टीरिया से और पैरासाइट्स जो बाकी होते हैं और ह्यूमन बीइंग से थोड़ा डिफरेंट होता है इसमें जो सेल मेम्ब्रेन है वो। आर्गोस्टिरोल होती है इसकी सेल मेम्ब्रेन के अंदर, उसके अलावा इसके हाइफाई होती हैं जिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं
और इसकी बॉडी में से वो हाईफाई निकल रही होती है, और इसकी जो बॉडी होती है उसको माइसीडियम कहते हैं। जो यीस्ट है ये एग्जाम्पल है फंगस की, ये हमारे लिए बहुत सारी चीजें भी फंगस तैयार करता है, योगर्ट वगैरह हो गया, यीस्ट जैसे पिज्जा वगैरह में डलती है। और दूसरा फंगल इन्फेक्शंस भी होते हैं बॉडी के अंदर। फंगस में जो कैंडिडिया एग्जाम्पल है, कैंडिडिया जो है ये हमारे माउथ के अंदर होता है, लेकिन बाज़ औक़ात जो है जब किसी बंदे की इम्यूनिटी लो हो जाए जैसे एड्स पेशेंट में स्पेशली, तो यही फंगल इन्फेक्शन होना शुरू हो जाते हैं, यानी वहाँ पर कैंडिडिया माउथ के अंदर ज़्यादा ग्रो करना शुरू कर देता है, इसलिए उसे ओरल थ्रस्ट कहते हैं, वो जो चीज़ होती है ओरल थ्रस्ट। अच्छा, फंगल इन्फेक्शन जो है सर्जरी, कैंसर ट्रीटमेंट की वजह से, HIV ज़्यादा होने की वजह से, और बहुत सारी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स जो हम यूज़ कर रहे हैं उनकी वजह से अब फंगल इन्फेक्शन ज़्यादा होना शुरू हो गया। HIV के अंदर फंगल इन्फेक्शन इसलिए ज़्यादा हो जाता है कि HIV में इम्यूनिटी लो हो जाती है, टी सेल काउंट जो होता है वो कम हो जाता है। पहले शुरू में आप देखें एड्स के अंदर क्या होता है कि फ्लू लाइक सिम्टम्स होते हैं, फीवर होते हैं, कुछ अर्सा रहता है, उसके बाद पेशेंट जो है वो ठीक हो जाता है, और फिर दोबारा उसको कुछ सालों बाद दोबारा उस पर जो होता है वो दोबारा से वो पेशेंट इम्यूनो डेफिशिएंट हो जाता है, उस पर अगर इन्फेक्शन होने शुरू हो जाते हैं मुख्तलिफ किस्म के उसे, तब वो जाकर एंड स्टेज पर एड्स बन जाता है। 8-10 साल लगते हैं ये सारा प्रोसीजर होने में। वजह ये होती है कि पहले टी सेल काउंट जो होते हैं वो कम होते हैं और फिर कांस्टेंट हो जाते हैं, और उसके बाद फिर वो कम होना शुरू हो जाते हैं और बिल्कुल डिक्लाइन हो जाते हैं, तो फंगल इन्फेक्शंस उनको होने के ज्यादा चांसेस होते हैं एज कम्पेयर टू द नॉर्मल ह्यूमन बींग, क्योंकि फंगल इन्फेक्शन के लिए टी सेल्स जो हैं वो अटैक करते हैं कि फंगल इन्फेक्शन ना हो इम्यून सिस्टम में। जब टी सेल्स का डिक्लाइन आ जाएगा तो फंगल इन्फेक्शन वायरल इन्फेक्शन आ जाएंगे वहां पर। अच्छा, ये क्योंकि फंगल इन्फेक्शन सेल के अंदर होता है तो इसलिए इसके लिए ये ज्यादा मुश्किल होता है इसको एज कम्पेयर टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन इसको ट्रीट करने का। इसी तरह वायरल भी इन्फेक्शन थोड़े बैक्टीरियल इन्फेक्शन की तरह के नहीं होते, उनमें भी वो होस्ट की मैकेनिज्म पूरा ले लेते हैं। इसी तरह ये फंगल इन्फेक्शन जो है ये भी सेल के अंदर फंगस ग्रो करना शुरू कर देते हैं। ऐसे सेल जो डीवाइटलाइज्ड हो जाते हैं जिनकी एवैस्कुलर टिश्यू ब्लड सप्लाई वगैरह नहीं होती। थेरेपी ऑफ फंगल इन्फेक्शन यूजुअली रिक्वायर्स प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट। ये सारे एग्जाम्पल्स दिए कि सुपरफिशियल फंगल इन्फेक्शन होते हैं जो स्किन को, नेल्स को, हेयर्स को इन्वॉल्व कर लेते हैं, या फिर ऐसी सरफेसेस जहाँ से म्यूकस मेम्ब्रेन सरफेसेस जैसे ओरोफेरिंक्स ओरल कैविटी में हो जाते हैं फंगल इन्फेक्शन। उसके अलावा फीमेल्स में विजाइना में हो जाते हैं, UTI इन्फेक्शन बहुत करता है फंगल इन्फेक्शन। जो UTI इन्फेक्शन होते हैं उनमें वन ऑफ द कॉज फंगल इन्फेक्शन भी होता है। डायमॉर्फिकली एग्जिस्ट करेगा, डायमॉर्फिकली यानी कि मोल्ड की फॉर्म में भी होगा और यीस्ट फॉर्म में भी होगा। मोल्ड ज्यादातर जो ये सॉइल के अंदर होते हैं, एनवायरमेंट में भी और सॉइल के अंदर ये फंगस होता है। ये नॉर्मल ह्यूमन बींग होता है वो इनहेल कर लेता है। बाकी ये कि यीस्ट जो है ये 25 सेंटीग्रेड पे जो एग्जिस्ट करती है वो यीस्ट होती है। द यीस्ट क्रिप्टोकोकस न्यूफोमेंस एंड वेरियस कैंडिडियल स्पीशीज रिस्पॉन्ड टू ए लिमिटेड नंबर ऑफ सिस्टेमिक एजेंट्स। ये सारी वो ड्रग्स हैं एम्फोटेरासीन बी, फ्लूसाइटोसिन जो आगे बताई हुई है, और ये ही ड्रग्स इम्पॉर्टेंट हैं। तो जो क्रिप्टोकोकस न्यूफोमेंस ये जो फंगस है और कैंडिडिया स्पीशीज, कुछ कैंडिडिया की स्पीशीज कैंडिडियल इन्फेक्शन जो कॉज करती हैं, उसके बहुत सारे कैंडिडिया जो होते हैं उसके आगे सब टाइप्स होती हैं, वो जो है वो इन ड्रग्स से जो है थोड़ा सा ट्रीट हो जाती हैं। क्रिप्टोकोकस न्यूफोमेंस ये मेनिनजाइटिस कॉज करता है। ये इसकी क्लासिफिकेशन है, एंटी फंगल डैमेजिंग द परमेबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन। अब आपको ये पूछा जा सकता है कि सेल मेम्ब्रेन जो है उसकी वो कौन डैमेज कर रहा है। आगे वैसे बताया हुआ भी है कौन कौन से हैं, तो ये याद रखना आपने कौन से हैं जो सेल वॉल को अटैक कर रहे हैं, कौन सी ड्रग्स हैं जो सेल मेम्ब्रेन को डैमेज कर रही हैं ताकि जो फंगस है वो खत्म हो जाए। फंगस की सेल मेम्ब्रेन और फंगस की सेल वॉल वगैरह को कौन कौन अफेक्ट कर रही है ड्रग्स।
इनमें एंटीफंगल डैमेजिंग परमेबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ये एग्जांपल्स दी हुई, कीटोकोनाजोल, क्लोरीट्रामाजोल, ये कीटाकोनाजोल इज वेरी इंपॉर्टेंट, मीकोनाजोल बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर जो बाकी हैं वो इट्राकोनाजोल इंपॉर्टेंट है, बोरिकोनाजोल ये आगे बताएंगे, जो ड्रग्स आपको बताएंगे वही आपसे पूछी जाएंगी। फर्दर क्लासिफिकेशन है सब्स्टिट्यूटेड पाइरिडोन्स, साइक्लोपाइरोक्स, फिर उसके बाद पोलीइन एंटीबायोटिक्स, एम्फोटेरेसिन बी ये इम्पोर्टेंट है, निस्टैटिन ये इम्पोर्टेंट है, निस्टैटिन ज्यादातर जो है वो ऑइंटमेंट की सूरत में दी जाती है, फिर उसके अलावा इनहिबिटिंग द काइटिन सिंथेसिस, आपको पता होना चाहिए ये दो ड्रग्स हैं और ये आगे बताई भी दी हैं, जो काइटिन जो इसका सेल वॉल स्ट्रक्चर है उसको अफेक्ट करती हैं ताकि फंगस सेल के डैमेज हो जाए। एंटीफंगल इनहिबिटिंग सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड, फ्लूसाइटोसिन ये भी ड्रग आगे बताएगी, ये इसके न्यूक्लियस को डैमेज करेगी। पोलीइन एंटीबायोटिक्स एम्फोटेरेसिन बी एंड निस्टैटिन बाइंड्स टू द फंगल सेल मेम्ब्रेन कंपोनेंट आर्गोस्टिरोल, ठीक है, इसके अंदर आर्गोस्टिरोल कंपोनेंट होता है फंगस के सेल मेम्ब्रेन के अंदर, ये दोनों ड्रग्स उसके साथ बाइंड कर लेती हैं, लीडिंग टू इंक्रीज फंगल सेल मेम्ब्रेन परमेबिलिटी एंड द लॉस ऑफ इंट्रासेलुलर कॉन्सेंट्रेंट्स। ये देखिए ये यहाँ पर ड्रग्स आकर बाइंड करेंगी और पोर बना देंगी, इस पोर के अंदर से जो फंगस सेल वॉल फंगस जो होता है उसके सेल के अंदर से चीजें निकलना शुरू होती है ताकि सेल की फंगस की डेथ हो जाए। hydrophobically with ergosterol in the fungal cell membrane forming a pore, potassium and other small molecules move off कर रहे हैं fungal cell के अंदर से, potassium and other cell molecules are lost through the pores causing the cell death, fungus की death हो जाती है। amphotericin has a lesser affinity of the mammalian cell membrane component cholesterol, but this interaction does account for most adverse toxic effects. ये सारी बता दी हैं कैंडिडियल स्पीशीज मुख्तलिफ स्पीशीज के ऊपर इफेक्टिव है, उसके अलावा क्रिप्टोकोकस न्यूफॉर्मेंस है जो मेनिनजाइटिस करी थी, उसके अलावा ब्लास्टोमाइसिस डर्मेटाइटिस, हिस्टोप्लाज्मा हिस्टोप्लाज्मोसिस इन्फेक्शन होता है फंगस का, ये सारे वो हैं जो फंगस बताए गए। एस्परगीरियस ये बहुत कॉमन होता है लंग्स में, कोकीडाइआयोडाइड्स इमिटियस, ये आप लोगों ने माइकोलॉजी में पढ़े हैं सारे उससे रिलेटेड है, ये माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड उसमें सारे पढ़ाए जाते हैं। यहाँ पर आपको सिर्फ ड्रग्स के नाम पता होने चाहिए, ड्रग्स का क्या मोड ऑफ एक्शन है वो पता होना चाहिए, और उसके क्या साइड इफेक्ट्स हैं और कहाँ वो थेरापीटिक यूजेज है, यही फार्माकोलॉजी है। बहरहाल ये सारे वो बताए हुए हैं जो फंगस के नाम बताए हुए हैं मुख्तलिफ, और इनके ऊपर जो है वो एम्फोटेरेसिन बी जो है वो इफेक्टिव है। एम्फोटेरेसिन यूजेस इंट्रावीनसली फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैंडिडिया इसोफेजाइटिस रैपिडली प्रोग्रेसिव म्यूकोर माइकोसिस, ये जो म्यूकोर माइकोसिस है बर्न पेशेंट्स में डायबिटिक और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज फंगल इन्फेक्शन हुई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट में रहे, डायबिटिक पेशेंट होगा वो भी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होगा, बर्न पेशेंट है वो भी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, तो सारे उसमें हो रहे हैं। तो एम्फोटेरेसिन जो है ये इफेक्टिव है अगेंस्ट कैंडिडिया जो एसोफेगस के ऊपर इन्फेक्शन करेगा, उसके अलावा म्यूकोर माइकोसिस और इन्वेसिव एस्परजिलोसिस ये इनहेल कर लेंगे, अगर स्पोर्स को इनहेल करेंगे फंगस के तो एस्परगिलोसिस और कुछ लोग एस्परजिलोसिस भी पढ़ते हैं, एस्परगिलोसिस है वैसे। अच्छा, इंट्राथीकल इन्फ्यूजन ऑफ एम्फोटेरेसिन बी इज यूजफुल इन पेशेंट्स विद मेनिनजाइटिस कॉज्ड बाय कोकीडाइआयोडाइड्स, इंट्रावीनस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एम्फोटेरेसिन बी इज द ट्रीटमेंट ऑफ म्यूकोर माइकोसिस। अगर कभी भी कोई सिनेरियो, वैसे तो आप लोग किस तरह डिटेल में पूछा जाएगा, लेकिन अगर कभी कोई सिनेरियो आ जाए कि एक पेशेंट है वो डायबिटिक है और आपको ऑप्शन दी हुई है कौन सा इन्फेक्शन होगा, तो हमेशा याद रखें कि उसको म्यूकोर माइकोसिस होगा।
treatment regimen, initial treatment of cryptococcal meningitis and severe or rapid progressively. अच्छा जो इसे treat करेगा वो histoplasmosis वही repeat हो रहा है blastomycosis और coccidioidomycosis. Intraocular injection has been used successfully for the fungal endophthalmitis. जो fungal eye के अंदर infections हो जाते हैं उसमें भी ये drug effective है. Amphotericin B ये बहुत important है क्योंकि systemic fungal जो blood के अंदर fungal infections जो deep tissues में होते हैं उनमें ये बहुत effective होती है. इसके अलावा साइड इफेक्ट्स फीवर चिल्स किडनी फेलियर हाइपोटेंशन. निस्टैटिन जो है ये ऑइंटमेंट के तौर पर ज्यादा यूज हो रही है. इज अ पॉलीईन एंटी फंगल ड्रग विद द रिंग स्ट्रक्चर एंड द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सिमिलर टू दैट ऑफ एम्फोटेरिसिन. इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन वही होगा पोर बनाएगा सेल मेम्ब्रेन के अंदर फंगस की और उसके बाद पोर से जो है लीकेज होगा ताकि जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होंगे कंपोनेंट्स होंगे सेल के वो लीक आउट होंगे जैसे पोटेशियम लीक आउट हो रहा था. और ये कहाँ कहाँ इम्पोर्टेंट होती है. टू टॉक्सिक फॉर सिस्टेमिक यूज. निस्टैटिन इज लिमिटेड टू द टॉपिकल ट्रीटमेंट ऑफ सुपरफिशियल इन्फेक्शन कॉज्ड बाय कैंडिडिया एल्बिगम्स. Infections commonly treated by this drug include oral candidiasis, oral thrush drug, mild esophageal candidiasis or vaginitis. Vagina के अंदर UTI infection होंगे या vagina में infections होते हैं ज्यादातर fungus की वजह से होते हैं. ये मैं आपको oral thrush जो AIDS patient में जिनकी immunity low होगी disease की उसको oral thrush होगा. कोई किसी का कोई क्वेश्चन अभी तक है कोई. कोई चीज जो ना समझ आई हो. ये ज्यादा क्योंकि याद करने वाली चीजें हैं. यस मैम. इसमें बस आप लोगों ने ये आखिर क्लासिफिकेशन में कभी नहीं पूछूंगी कि मुझे फलां क्लासिफिकेशन बताए फलां क्लासिफिकेशन बताए. अगर जिसका कोई एक जैसे अब ये पता है कि निस्टैटिन जो है ये ड्रग सिस्टेमिकली नहीं यूज हो रही है सिर्फ ऑइंटमेंट के तौर पर यूज हो रही है ये पूछा जा सकता है कौन सी फंगल ड्रग है. उसके अलावा एम्फोट और क्या है इसमें इतना खास कोई नहीं है. इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन दोनों ड्रग्स का सेम है तो ये पूछा जा सकता है किसी एक का. यस मैम. Antifungal azoles. अब ये सारे azoles आ गए इसमें. Ketoconazole दिया हुआ है ये important है. Clotrimazole ये भी. Ketoconazole जो है ज्यादातर use हो रही है Ketoconazole. Antifungal azoles are synthetic drugs with broad spectrum fungistatic activity. ये fungus को रोक देती है. Azoles can be divided into two groups. ओल्डर हैं जिनमें कीटोकोनाजोल है और नेम के अंदर फ्लूकोनाजोल इट्राकोनाजोल ये दोनों बहुत इम्पोर्टेंट है और एक वोरिकोनाजोल भी है. इसमें क्लोट्रिमाजोल पीटोकोनाजोल मीकोनाजोल ये पुराना जो थी इसकी ओल्डर है एजेंट्स और इनके अंदर फाइव मेम्ब्रेन एजोल न्यूक्लियस कंटेनिंग टू नाइट्रोजन है. जो लेटेस्ट है उनके अंदर न्यूक्लियस जो है उसमें थ्री नाइट्रोजन है इनके स्ट्रक्चर के अंदर फ्लूकोनाजोल इट्राकोनाजोल एंड वोरिकोनाजोल. ये एक डायग्राम पिक्चर दी गई उसकी वोरिकोनाजोल की. अब कीटोकोनाजोल ये देखें लेनोस्टेरोल से आर्गोस्टेरोल बनता है. ये सेल मेम्ब्रेन फंगल सेल की बताई गई फंगस की. उसमें सेल मेम्ब्रेन भी होती है सेल वॉल भी होती है. सेल वॉल जो है वो काइटिन से बनी होती है और डीप ल्यूकेन से बनी होती है और जो मेम्ब्रेन है वो आर्गोस्टेरोल से बनी होती है. ये क्या करता है इसको लेनोस्टेरोल को कीटोकोनाजोल इसमें आर्गोस्टेरोल में कन्वर्ट नहीं होने दे रहा. इन द प्रेजेंस ऑफ साइटोक्रोम P450 एंजाइम्स इन द फंगस. जब ये सेल मेम्ब्रेन ही नहीं उसकी बनेगी तो उसकी ग्रोथ रुक जाएगी. Mechanism and toxicity. All azoles exert antifungal activity by inhibiting cytochrome P450
एंजाइम्स, ये एंजाइम्स जो है P450 फंगस के अंदर है, इसको इनहिबिट कर रहा है ये जो ड्रग है कीटोकोनाजोल, कीटोकोनाजोल का मैकेनिज्म बताया हुआ है। अच्छा, ये डीमेथाइलेशन बताया हुआ है कि जो साइटोक्रोम P450 एंजाइम है रिस्पॉन्सिबल फॉर डीमेथाइलेशन ऑफ लेनोस्टिरोल टू आर्गोस्टिरोल, रिड्यूस फंगल मेम्ब्रेन आर्गोस्टिरोल कॉन्सेंट्रेशन, रिजल्ट इन डैमेजिंग एंड लीकिंग सेल मेम्ब्रेन। यहाँ से कोई बात होगी, उसमें पहली वाली ने पोर बनाया था, दूसरी वाले ने जो है ये मेम्ब्रेन ही बनने दे रही, तो जो है सेल जो है लीकी सा हो गया, लीकी उसमें से कंपोनेंट्स सब रिलीज होना शुरू किया। The toxicity of these drugs depend on their relative affinities for mammalian and fungal cytochrome P450 enzymes. ये इसकी benefits क्या हैं? Fewer side effects हैं, better absorption है blood के अंदर, better drug distribution in the body tissues. जब बंदा लेगा तो उसके body tissues में ये ज़्यादा distribute होगी। और किसी और drug के साथ अगर ले रहे हैं तो drug-drug interaction इसकी कम है। ये मीकोनाजोल बताया हुआ है, इट्राकोनाजोल और फ्लूकोनाजोल जो नई इसकी थी न्यू जनरेशन उसका बताया हुआ है, फ्लूकोनाजोल, इट्राकोनाजोल और फ्लूकोनाजोल। Fluconazole does not require an acidic environment as does ketoconazole. ये याद रखे, ketoconazole जो है उसको, ketoconazole को acidic environment चाहिए, कि fluconazole को नहीं चाहिए, ये better है इसलिए ketoconazole से। About 80% to 90% orally administered dose is absorbed yielding high serum drug level. ठीक है, ज्यादा absorption होगी तो ज्यादा serum के अंदर जाएगी। Half life इसकी बताई गई 27 to 37 hours. Permitting once daily dosing in patients with normal renal function. और renal functions देखने बहुत जरूरी होते हैं क्योंकि इन drugs का ज्यादातर effect kidneys पर होता है, liver पर भी होता है, kidneys पर भी। Only 11% of the circulating drug is bound to plasma protein. The drug penetrate widely into the most body tissues. About 80% of the drug is excreted unchanged in the urine. Dosage reductions are required in the presence of renal insufficiencies. ठीक है, अगर किडनी पेशेंट्स हैं तो उनके लिए डोज की रिडक्शन करके दी जाएगी कम डोज में। अच्छा, अब फ्लूकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल इज वेरी इफेक्टिव इन द ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शन विद मोस्ट कैंडिडियल स्पीशीज। ओरल थ्रस्ट इज द एंड स्टेज, जब एड्स पेशेंट आखिरी स्टेज पर पहुंच जाता है, जब टी सेल्स का बिल्कुल ही डिक्लाइन हो जाता है, हेल्पर टी सेल्स का भी, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स खत्म हो गए, तो वो बहुत ज्यादा वो स्टेज होती है जिसे हम एड्स कहते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। अब यानी कि बहुत सारे इन्फेक्शन ऊपर इफेक्ट होंगे क्योंकि ना तो उसके पास लड़ने के लिए टी सेल्स रहे, ना वो वायरल इन्फेक्शन से लड़ सकता है, ना वो जो है वो फंगल इन्फेक्शन लड़ सकता है। और ऐसे इन्फेक्शन जब हमारी बॉडी के अंदर जितने भी माइक्रोब्स हैं, ये इसी तरह है नॉर्मल हेल्दी पर्सन में, तो हमें अफेक्ट नहीं कर रहे, लेकिन अगर इम्यूनिटी लो होगी है तो वही उनको हम अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन कह देंगे, यानी वो जो हमारी बॉडी के ऊपर माइक्रोब्स है वो हमारे लिए पैथोजन बन चुके हैं, तो ऐसे इन्फेक्शन को अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन कहते हैं। तो एड्स पेशेंट के अंदर अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन शुरू हो जाते हैं। एड्स पेशेंट विद द एसोफेजियल कैंडिडियासिस आल्सो यूनी रिस्पॉन्ड टू फ्लूकोनाजोल। फ्लूकोनाजोल अच्छी ड्रग है क्योंकि इसमें जो एड्स पेशेंट के ऊपर बहुत इफेक्टिव होती है ये। अ सिंगल 150 मिलीग्राम डोज हैज बीन शोन टू बी एन इफेक्टिव ट्रीटमेंट फॉर वजाइनल कैंडिडियासिस। A 3-day course of oral fluconazole is an effective treatment in candidia. So, जो UTI candidia जिसका वजह होगी, तो उसमें हम ये fluconazole देंगे। Stable non-neutropenic patients with the candidemia can be adequately treated with fluconazole. If the neutrophil counts कम हो गए, उनमें ये fluconazole देंगे। Fluconazole may be an alternative to amphotericin B in the initial treatment of mild cryptococcal infections. जो meningitis वगैरह कर रहा है, cryptococcal infections में use हो रहा है,
उसके अलावा ये क्या कहते हैं कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें पहले प्रोफाइलेक्सिस के तौर पर इस ड्रग को देना शुरू कर देते हैं फ्लुकोनाज़ोल। फ्लुकोनाज़ोल टेकन प्रोफाइलेटिकली बाय एंड स्टेज एड्स पेशेंट को देते हैं कैन रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ क्रिप्टोकोकल मेनिनजाइटिस एसोफेगल कैनिडियासिस एंड सुपरफिशियल फंगल इन्फेक्शन। एडवर्स इफेक्ट इसके दो हैं कि एक तो एसिम्प्टोमेटिक लिवर एंजाइम जितने भी लिवर के एंजाइम्स हैं उनको एसिम्प्टोमेटिकली ये इंक्रीज कर रहा है एंड सेवरल केसेस ऑफ ड्रग एसोसिएटेड हिपेटिक नेक्रोसिस लिवर की नेक्रोसिस डैमेज कर रहा है लिवर को। उसके अलावा एलोपेशिया करता है। एलोपेशिया क्या चीज होती है? मैम गंजेपन को कहते हैं एलोपेशिया। बाल्डनेस को गंजेपन शाबाश। इन पेशेंट रिसीविंग प्रोलॉन्ग हाई डोज थेरेपी एलोपेशिया हो जाता है और अगर फिनोटाइन के साथ इसको देंगे फिनोटाइन ड्रग के साथ तो क्या होगा कि फिनोटाइन सीरम के अंदर उसके लेवल ज्यादा हो जाएंगे। Itraconazole is a lipophilic and water insoluble and requires a low gastric pH for absorption. Oral bioavailability is variable. Uske alawa highly bound protein se zyada bound rehti hai and is metabolized in the liver excreted in the bile. Therapeutic uses iske pooch sakte hain agar puche to. Itraconazole is most useful in the long-term suppressive treatment of disseminated histoplasmosis in AIDS. Histoplasmosis जो fungal infection जो AIDS patient में होगा उसमें itraconazole ज्यादा effective है। Oral treatment of non-meningeal blastomycosis, blastomycosis जो fungal infection है उसके अंदर। It is a drug of choice for all forms of sporotrichosis except meningitis. अच्छा ये एमसीक्यू आ सकता है कि जो स्पोरोट्राइकोसिस है उसके अंदर ड्रग ऑफ चॉइस क्या है तो इट्राकोनाजोल है। इट्राकोनाजोल देखें ये जो स्पोरोट्राइकोसिस है ये ज्यादातर उनको होता है जो गार्डनर्स होते हैं जो ये अगर इसका ये होता है कि ये प्लांट्स के ऊपर ये स्पोर्स होते हैं इसके फंगल निकास कर देते हैं फंगल स्पोर्स प्लांट्स के ऊपर होते हैं तो या गार्डनर्स को होता है या कोई ऐसा सिनेरियो आता था कि जिसके अंदर बताया कि जी आपने रोज को तोड़ा है गुलाब के फूल को या किसी पौधे को तोड़ा है और आपके जो है वो बाजू वगैरह पर टांगों पर ये स्पोरोट्राइकोसिस होगा। तो अगर गार्डनर से रिलेटेड कोई फंगल इन्फेक्शन है तो वो ये वाला इन्फेक्शन है और इसकी ड्रग ऑफ चॉइस क्या है इट्राकोनाजोल। इट्राकोनाजोल हैज रिप्लेस्ड कीटोकोनाजोल एज द ड्रग ऑफ चॉइस इन द ट्रीटमेंट ऑफ पैराकोकिडियोमाइकोसिस एंड कोकिडियोमाइकोसिस ये भी फंगल इन्फेक्शन है और इनके लिए भी ये इट्राकोनाजोल यूज हुआ है। कीटोकोनाजोल कीटोकोनाजोल कौन सी ड्रग थी जिसको एसिडिक मीडियम चाहिए था और फ्लुकोनाजोल इससे ज्यादा बेहतर ड्रग है। Ketoconazole can be absorbed orally, but it requires an acidic gastric environment. कोई भी ऑप्शन दी जा सकती है fluconazole और itraconazole, ketoconazole, niacinamide और पूछा जा सकता है इसमें से कौन सी है जो acidic gastric environment के अंदर absorption करेगी तो वो ketoconazole है। It remains useful in the treatment of cutaneous and mucous membrane, dermatophyte and yeast disseminated mycosis. तो यीस्ट से फंगल इन्फेक्शन हो रहे हैं उनके लिए इफेक्टिव है। कीटोकोनाजोल इज रियली इफेक्टिव इन द ट्रीटमेंट ऑफ ओरल थ्रश बट फ्लुकोनाजोल इज सुपीरियर टू कीटोकोनाजोल फॉर रिफ्रैक्टरी थ्रश। वाइड स्प्रेड डर्मेटोफाइट इन्फेक्शन ऑन स्किन सरफेस कैन बी ट्रीटेड इजिली विद ओरल कीटोकोनाजोल। सुपरफिशियल इन्फेक्शन स्किन के जो है वो ये ट्रीट कर देंगे। कीटोकोनाजोल के एडवर्स इफेक्ट सारे यही हैं कि एक तो नोजिया वॉमिटिंग एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया क्या होता है कोई आइडिया? एनोरेक्सिया जब भूख खत्म हो जाए हंगर खत्म हो जाए तो नोजिया वॉमिटिंग एनोरेक्सिया एपिगैस्ट्रिक डिस्ट्रेस
प्रूराइटस एलर्जिक एलर्जी स्किन के ऊपर हो जाती है, एलर्जी डर्मेटाइटिस बाजों पर टांगों पर एलर्जी जो हो जाती है, लिवर एंजाइम्स जितने भी होंगे उनको एलिवेट कर देगी। एडवर्स इफेक्ट्स इसके क्या, रिडक्शन इन टेस्टोस्टेरोन सिंथेसिस, ब्लॉक्स द एड्रीनल रिस्पॉन्स टू कॉर्टिकोट्रोपिन, जो आपकी बॉडी में कॉर्टिकोट्रोपिन प्रोड्यूस होता है और एड्रीनल ग्लैंड प्रोड्यूस कर होते हैं वो ब्लॉकेज हो जाता है। गायनेकोमेस्टिया, ये गायनेकोमेस्टिया क्या होता है, कोई आइडिया किसी को? गायनेकोमेस्टिया होता है कि मेल्स के अंदर एनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट हो जाती है। इम्पोटेंसी, रिड्यूस्ड सीरम काउंट, डिमिनिश्ड लिबिडो कैन ऑकर इन मेन, इरेगुलर मेंसेस इन फीमेल, एडजंक्टिव ट्रीटमेंट फॉर प्रोस्टेटिक कार्सिनोमा, प्रोस्टेट के कैंसर्स में ये सपोर्टिव ट्रीटमेंट, बाकी ड्रग्स के साथ किटोकोनाजोल को भी दिया जाता है। Clotrimazole is a broad spectrum fungistatic imidazole drug used in the topical treatment of oral skin vaginal infection with Candida albicans, cutaneous dermatophytes, topically used result in therapeutic drug concentration in the epidermis and mucous membranes par use ho raha hai topically. अच्छा, अब इसमें जो फ्यू साइटोसिन ड्रग बताई थी, फ्लोरिनेटेड पायरीमाइड्स, पायरीमाइडिन्स, इसमें फ्यू साइटोसिन जो है 5-FU-5FC, फ्यू साइटोसिन की शॉर्ट फॉर्म है, इज एन एनालॉग लॉग्यू ऑफ सिस्टोसिन दैट वाज ओरिजिनली सिंथेसाइज्ड फॉर पॉसिबल यूज एज एन एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट। ये इसके अंदर ये जो है फ्यू साइटोसिन, ये बेसिकली क्या करती है कि डीएनए जो फंगस का होगा उसकी सिंथेसिस को इनहिबिट करेगी, न्यूक्लिक एसिड के ऊपर इसका इफेक्ट होगा। 5-फ्लोरोसिस्टोसिन इज कन्वर्टेड टू 5-फ्लोरोयूरासिल इन साइड द सेल बाय द फंगल एंजाइम साइटोसिन डीअमाइनेज। The active metabolite 5-fluorouracil interferes with fungal DNA synthesis by inhibiting thymidylate synthase. ये आपने गौर से देखना है कि इसके अंदर बस ये याद रखना है कि ये जो ड्रग है इसका क्या है कि DNA की synthesis fungal DNA की synthesis को inhibit कर देगी by inhibiting this thymidylate synthase enzyme. Incorporation of these metabolites into fungal RNA inhibits protein synthesis. Protein synthesis नहीं करने देगी, DNA को damage करेगी, inhibit करेगी. Cytosine has a significant antifungal activity against candidial species and the fungal organism responsible for chromomycosis. कोई अभी तक कोई question किसी का? कोई चीज जो ना समझ आई हो? इसमें ज्यादातर जो है याद रखने वाली चीजें, और बस आपने जो याद रखना है यही याद रखना है कि इन ड्रग्स के मोड ऑफ एक्शन से एमसीक्यू ज्यादातर आएंगे, ठीक है? आप लोग क्या चाह रहे हैं कि एमसीक्यूज ही हो उसके अंदर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स ना हो आपके जो? मैम दोनों चीजें हो सकती हैं, एमसीक्यूज भी और शॉर्ट क्वेश्चन भी। अच्छा मैम, उसकी रेशियो होती है जैसे 40% और 20%। अच्छा चलिए मैं आपको बता दूंगी कि कितनी रेशियो है। अच्छा उसके अलावा के एलियाइल एमाइंस आपके जो फाइनल होते हैं उसके अंदर एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर दोनों होते हैं ना? मैम ये मोड पे डिपेंड करता है, हमने मैम महीन शाह से बात की थी, उन्होंने कहा था कि ये मोड पे डिपेंड करता है, अगर ऑनलाइन मोड है तो उसके लिए रेशियो देखेंगे दोनों चीजें होंगी, लेकिन अगर ऑन कैंपस होंगे तो सिर्फ एमसीक्यूज आएंगे। ठीक है,
एलाइल अमाइंस वैसे मेरा यही है कि अगर हुए एमसीक्यूज और एससीक्यूज तो फिर 50-50% हो सकता है दिया जाए. ठीक है. एलाइल अमाइंस रिवर्सेबल नॉन कम्पिटेटिव इनहिबिटर्स ऑफ द फंगल एंजाइम सिक्विलिन मोनोऑक्सीजिनेज व्हिच कन्वर्ट्स सिक्विलिन टू लोनोस्टेरोल. इसके आगे एग्जांपल ये दी हुई है, ये देखिए ये टर्बिनाफीन है इसकी एग्जांपल, और ये भी आर्गोस्टेरोल नहीं बनने दे रही. द एजेंट एग्जिबिट फंजीसाइडल एक्टिविटी अगेंस्ट नेमेटोफाइट्स एंड फंजीस्टैटिक, जहां रोल देगा फंगस को, एक्टिविटी अगेंस्ट यीस्ट. इसकी एग्जांपल है नेफ्टिफाइन इज अवेलेबल फॉर टॉपिकल यूज ओनली इन द ट्रीटमेंट ऑफ क्यूटेनियस नेमेटोफाइट and candidial infections. Terbinafine is available for topical and systemic use, oral tablets, in the treatment of dermatophyte skin and nail infections. Ye argosterol yahan par sequilin epoxidase enzyme hai jisko ye inhibit kar rahi hai. Ye sequilin ko convert nahi hone de rahi लेनोस्टेरोल के अंदर, और आगे उससे जो मेम्ब्रेन के अंदर आर्गोस्टेरोल था वो नहीं बनेगा. डिक्रीज इन लेनोस्टेरोल प्रोडक्शन और डिक्रीज इन आर्गोस्टेरोल प्रोडक्शन हो जाएगा. अब इसके अंदर जो है एकाइनोकैंडियंस, इनके अंदर ये कैस्पोफंजिन ये बहुत इम्पोर्टेंट है. Is a semi-synthetic lipopeptide. It inhibits the synthesis of beta D glucan. ये भी cell wall का chitin की तरह component होता है, और chitin और जो ये होता है D glucan, ये fungal के wall के अंदर है, तो इसलिए fungal rigidity provide कर रहा है दोनों मिलके. Caspofungin is approved for the treatment of एस्परगिलोसिस, जो लंग्स के अंदर एस्परगिलोसिस हो जाती है, उसके ट्रीटमेंट के लिए ये होता है. ये जब इनहेल कर लेते हैं, ज्यादातर स्पोर्स फॉर्म में जो फंगस एग्जिस्ट करता है एनवायरमेंट में, वो सॉइल के अंदर होता है, और पिजन्स की, बैट्स की फीसिस जो होती है उनसे ये सॉइल में चला जाता है, और सॉइल से फिर ये जो है ह्यूमन बीइंग इनहेल कर लेता है. और अगर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होगा तो डेफिनेटली उसको फंगल इन्फेक्शन हो जाएंगे. अच्छा, जो पेशेंट्स अच्छा रिस्पॉन्ड एम्फोटेरासिन बी और इट्राकोनाजोल को नहीं कर रहे तो वो कैस्पोफंजिन जो होती है उसको करते हैं. एडवर्स इफेक्ट इसके फेशियल फ्लशिंग, रेडनेस, हॉटनेस यानी फीवर, फ्लूराइटिस. Dose reductions are required in the presence of hepatic insufficiencies. अगर liver insufficiencies है तो dosage जो है reduce करके देंगे. अच्छा, फिर pyridones में cyclopyrox और olamine is a pyridone derivative for the treatment of cutaneous dermatophyte infections of skin, nails, hair के लिए use हो रही है. cutaneous infections जो है उनके लिए हो रही है use. उसके अलावा टीनिया वर्सिकलर, ये स्किन का ही होगी डिजीज जिसके अंदर स्मॉल डिसकलर्ड पैचेस ऑन द स्किन आ जाते हैं, और ये कॉस्ट बाय इसके थ्रू कॉस्ट कर रहा है. मेलासेजियस फरफर, ये जो है ये मेलासेजिया फरफर जो है ये फंगस है. थायोकार्बामेट्स, इसमें टोलनेफ्टेट इज एन एंटी फंगल एजेंट इफेक्टिव इन द टॉपिकल ट्रीटमेंट ऑफ डर्मेटोफाइट स्किन इन्फेक्शन, एंटीनिया इन्फेक्शन. अच्छा, ये जो छोटे छोटे जैसे इन्फेक्शन बताए हुए ना, अब इसमें थोड़ा थोड़ा सा आप इनको पढ़ेंगे तो समझने के लिए इनको थोड़ा थोड़ा सर्च करते जाए, क्योंकि अगर मैं इनको भी डाल देती, ये ज्यादातर माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड उसमें पढ़ाए जाते हैं सारे ये इन्फेक्शन, तो फिर स्लाइड ज्यादा हो जाती है. ये इन्फेक्शन के बारे में कोई नहीं पूछेगा, सिर्फ ड्रग्स, उनके ट्रीटमेंट, उनके साइड इफेक्ट, फार्माकोलॉजी का एस्पेक्ट पूछेंगे. लेकिन फॉर प्योर नॉलेज आप थोड़ा थोड़ा अपनी
ذہن میں پکچر بنانے کے لیے کہ اچھا یہ ڈرگ اس کے لیے یاد رکھنے کے لیے ان کی جو ہے نا گوگل کے اوپر جو تصویریں دی ہوتی ہیں وہ دیکھ لیا کریں. اچھا گرائسوفیلوی از این اورل فنجیسٹیٹک ایجنٹ یوزڈ ان دا لانگ ٹرم ٹریٹمنٹ آف اے ڈرمیٹوفائٹ انفیکشن کازڈ بائی ایپی ڈرموفائٹون مائکروسپوریم اینٹرائکوفائٹون. یہ ساری جو اسپیشیز ہیں فنگس کی ان کے جو انفیکشنز ہوں گے ان کے اگینسٹ یہ گرائسوفیلوی یوز کرتے ہیں. Rhizophelvi. It inhibits fungal growth by binding to the microtubules responsible for mitotic spindle formation. The drug binds to keratin precursor cells and newly synthesized keratin in the stratum corneum of the skin, hair, and nails, stopping the progression of dermatophyte infections. جو ڈرمیٹوفائٹ انفیکشنز ہوتے ہیں اسکن کے ان کے اندر یہ ڈرگ اگر دیں گے تو کیا کرے گی کہ یہ دیکھیں مائکروٹیبیولز جو ہوں گے فنگس کے جس کی وجہ سے فنگل کی مائٹوٹک ڈویژن ہو رہی تھی اس کو انہیبٹ کر دے گی یہ ڈرگ. ٹھیک ہے اس کو یاد رکھنا کہ مائٹوٹک اس کی ڈویژن نہیں ہونے دے رہی مائکروٹیبیولز جو ہیں بائنڈ ان کے ساتھ کر رہی ہے. کوئی چیز جو آپ لوگ کو نہ سمجھ آئی ہو یا کچھ جو سمجھ آیا ہو میم؟ سمجھ آ گیا. بس اس کو اب آپ نے یاد رٹے لگا لینا ہے. اور مجھے نا دو مائکرو بایولوجی کے اندر ہی اگر آپ کے پاس مائکرو بایولوجی پچھلے سال آپ نے سیمسٹر میں پڑھی ہے پچھلے سیمسٹر میں تو اگر آپ کے پاس اس کی لیونسن بک ہے تو اس کے اندر مائیکالوجی والا کھولیں اس کے اندر چارٹس بنے ہوئے تھے ٹھیک ہے مائیکالوجی والے اس کے اندر آج اگر مجھے کہیں سے ویسے مل گئے چارٹس وہ اس کے اندر دیا ہوا ہے کون سی ڈرگ کس انفیکشن میں یوز ہوگی ذرا آسان کرنے کے لیے چھوٹا تو وہ میں آپ کے لیے سینڈ کر دوں گی اس میں اس کے ساتھ وہ بھی اپلوڈ کر دوں گی نہیں ملے تو پھر میں اسی طرح کر دوں گی. ویسے لیونسن میں مجھے یاد آ رہا ہے کچھ تھے اس طرح کے چارٹس جس میں بتایا ہوا تھا کون سی ڈرگ کا میکینزم کیا ہے وہ کہاں ایکٹ کرے گی اور دوسرا بتایا ہوا تھا وہ ڈرگ جو ہے وہ جو ہے کون سے اس کے تھراپیوٹک یوزز ہیں فارما کی طرح کے دیے ہوئے تھے کچھ جو آپ کے کام آ سکتی کچھ ہے آپ کے پاس مائکرو بایولوجی کی بک کسی کے پاس؟ نو میم خود ہی دیکھ کر ان سلائڈس کے اندر شیئر کر دوں گی اس میں دو سلائڈس کو ایڈ کر دوں گی ٹیبلز کیونکہ ٹیبلز میں زیادہ پریفر کرتی ہوں ٹیبل سے ذرا زیادہ سمجھ آ جاتی ہے زیادہ پریسائزلی آپ جو لکھ لیتے ہو ٹھیک ہے. کوشچن ہمیشہ ٹو دا پریسائز لکھا کریں کوشش کرا کریں جو چیز پوچھی گئی ہے وہی لکھی جائے تو اس سے زیادہ نمبر مل جاتے ہیں. کوئی کوشچن آپ لوگ کا؟ میں مڈ کا کتنا سلیبس ہے مڈ کے اندر؟ مڈ کے اندر میں مڈ کا سلیبس کتنا ہے کتنا لیکچر انکلوڈ ہوں گے؟ آج تک جتنا پڑھا ہے اینٹی فنگل ڈرگز تک وہ سارا انکلوڈ ہوگا باقی جو میں اینٹی وائرل اور اینٹی یہ جو پیراسائٹولوجی یہ تب تک میرے خیال میں ہو جائے گا جب آپ کے مڈ ختم ہو گئی اور اس کے بعد پھر مڈ کے بعد کچھ عرصے بعد ایک ہفتے بعد یا کچھ اس طرح میں سوچے تھے ایک ٹیسٹ چھوٹا سا رکھیں گے چاہے وہ کوئز رکھ لیں یا شارٹ کوئسچن آنسرز کا اور وہ آپ کا اس میں وہ ٹاپکس کور کر لیں گے جو اینٹی فنگل ڈرگز کے بعد والے. ابھی دیکھیں آپ کو اسائنمنٹ میم ٹھیک ہے اتنے ٹاپکس ان کو اچھی طرح پڑھ لیں انہیں میں سے مل جائے گا اور آپ کے سلائڈ میں سے ہی آتا ہے جو چیزیں کلاس میں بتائی جاتی ہیں وہی آتی ہیں جو لیکچرز میں بتائی جاتی ہیں اور زیادہ تر میں سلائڈس ہی میں سے دوں گی ٹھیک ہے. میم جو ہم نے کوئز دیا ہے وہ انکلوڈیڈ ہوں گے وہ لیکچرز انکلوڈیڈ ہوں گے کیونکہ بہت تھوڑا سا آپ کا رہتا ہے وہ انکلوڈ کر لیں تو اچھا ہے. فائنلز میں آپ کا سارا آتا ہے نا؟ جی میم فائنلز میں سارا سلیبس ہوتا ہے. آپ لوگ ابھی اچھا ہے کہ وہ بھی انکلوڈ کریں آل دو اپنے سے بھی آ جائے گا کم آیا چاہے اتنا کیونکہ آپ میں پڑھا ہوا تو ہے وہ سارا کچھ ابھی ٹائم گزرا ہے اور مجھے لگ رہا ہے کہ آن کیمپس شاید آپ کے لیے شاید نہ ہوں کیونکہ دیکھیے جب آپ لوگ کو آنے نہیں دے رہے کہ ڈوز پوری نہیں ہے تو پھر آن کیمپس ایگزام کنڈکٹ کرنا پاسبل ہے
या आप लोग पूछ लें पहले कि भाई एग्जाम कैसे होगा, कब डे शीट, अभी तक तो डे शीट का ही नहीं पता, आज 16 हो गई है, आप लोग की डे शीट इसी टाइम आती है, इतनी ड्यूरेशन से पहले आती है? मैम अदर डिपार्टमेंट्स के तो 20 के बाद से मिड स्टार्ट हैं, उनको ओसीए की तरफ से मेल भी हो गई है रिसीव के उनके ऑन कैंपस होंगे मिड्स, लेकिन मैम माहिन शाह से हमने बात की थी, वो कह रही थी कि एसएचएस का डिसीजन जो है वो आप लोगों को थ्रू मेल बता दिया जाएगा, लेकिन अभी फैकल्टी को भी कुछ नहीं पता। वैसे वो कह रहे हैं ऑन कैंपस होगा। जी मैम, मैम बता रही थी कि उनको मेल रिसीव हुई है अदर डिपार्टमेंट्स के, तो मिड्स ऑन कैंपस हो रहे हैं। अच्छा एक आपकी पिछली स्लाइड्स जो रह गई थी ना इम्यूनोसप्रेसेंट्स, वो ड्रग्स आप कर लें उसके अंदर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, बाकी जो उसके अंदर मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का दिया हुआ था वो प्रिसाइजली सा मैं बता दूंगी, उसके जो अंदर टेबल्स दिए हुए वो याद करने पॉसिबल नहीं है मुझे लग रहा है, तो वो आपके किसी काम के भी नहीं, वो आप छोड़ दीजिएगा। उसके अंदर आखिर में एक दिया हुआ है एरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस, ये एक डिजीज है जिसमें वो आर एच फैक्टर और आर एच कुछ पता है इसका कि क्या होता है, अगर फिजियोलॉजी में पढ़ा हो किसी ने। वैसे तो वो आप लोग के लिए नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि वो हीमाटोलॉजी ब्लड से रिलेटेड होता है, लेकिन सम ऑफ वो वाली स्लाइड्स जो है ना वो मैं आपको बता दूंगी कि एरेथ्रोब्लास्टोसिस होता क्या है। ओके मैम, ठीक है, सिर्फ वो उसमें इम्पोर्टेंट है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी क्या है और हाइब्रिडोमा टेक्निक होती है, वो छोटा सा मैं आपको अगली नेक्स्ट क्लास में दिखा दूंगी, उसमें से शायद कोई एमसीक्यू वगैरह आ जाए। ठीक है, थैंक यू जी। ओके मैम, अल्लाह हाफिज़।